रहे थे, आम लेके ही जा रहे थे, जिस आम को आपको दिखाने वाले थे, जो 1 kg और कितने ग्राम है अंकल आप बताओ? 1 kg और 250 यानी 112 1250 ग्राम है, 1 kg और 250 ग्राम है। तो आम दिखाओ, देख सकते कितना बिगेस्ट है, बहुत ही बड़ा है। अंकल आपका नाम बताओ? हमारा नाम हैदर। हैदर अंकल, जो अंकल इधर लेके जा रहे तो अपनी 750 ग्राम के करीब ही होगा, और वो आम जो था ना वो क्या बहुत ही बड़ा, जो आप लोगों को देखे नमस्ते गाइस, तो मेरे न्यू ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो गाइस सुबह के हो रहे 8 घंटे और गाइस जा रहे हैं काम के लिए जा रहे हैं। तो गाइस बता दें कल हम एक चीज़ देखे थे और अंकल पगम बता दें कि इसमें आधा के जी का उनके पास से आधा के जी कम था, तो उन्होंने बोला कि कल लाएंगे आम तो वो और थोड़ा बड़ा होगा। तो गाइस आज आपको देखने को मिलेगा तो बिगेस्ट आम देखने को मिलेगा, और चलते हैं देखते हैं क्योंकि गाइस उन्होंने बोले तुम्हें आना कल। तो आज हम फाइनली आम आपको दिखाने वाले की बहुत ही बिगेस्ट है गाइस, रियली बहुत बड़ा बड़ा। चलते हैं अभी काम चलेंगे, उसके बाद 1 घंटे लंच टाइम चलेंगे या शाम को चलेंगे। तो अभी सभी लोग काम के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे जो आए हैं लंबू वाला आया है और राजू वाला अक्का, और हम दो चार जने यहाँ पे काम करने वाले और दो जने वहाँ चले गए क्योंकि वहाँ पर मिट्टी का काम, जहाँ पर पिलर का काम हुआ। तो अभी हम यहाँ पे लाके कचरे डाल रहे हैं बाल्टी से, जो भी नीचे उसका क्लीन कर रहे हैं। तो अभी हम देख सकते हैं सामान उस जहाँ से ब्लॉक का काम हुआ था वहाँ सामान ले जाके हम मस्जिद के नेपाल जा रहे हैं। और गाइस साथ में क्या क्या पानी लिए हुए यहाँ पे रखे हुए, भारी है इसलिए भी थोड़ा थोड़ा वेट कर रही। बता दें इस गली का पूरा फ्रेंड अभी देख सकते हैं सभी आ रहा, पूरा फुल झुंड भी आ रहा है, देख सकते हैं गली का यह सब फ्रेंड सभी डॉन इस गली का, कैमरा पे देख के सभी डर गए, चार ये चार वो, यानी बहुत यहाँ पे गली में कुत्ते आ देख सब कितना, सभी अभी जाके इधर ही बैठे हैं सब देख फोन में देख। तो अभी हमने देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट मिक्सिंग कर दिया, और गाइस बता दें कि यहाँ पे जो काम होगा ना सेलिंग का काम होगा, ये छत का जो सेलिंग है और ये स्टी रूम बचा हुआ है, तो ये भी यानी 4 दिन में पूरा घर ये भी फाइनल हो जाएगा, प्लास्टिक हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। तो बता दें कि अभी तो नीचे पूरा कचरे तो सभी क्लीन कर दिया और हमें सभी मिक्सिंग कर दिया और अब काम स्टार्ट हुआ, और हमारे भरत भी अभी आए यानी 3 मिस्त्री और हम 2 जन काम करें, हम मिक्सिंग करके देंगे और अक्का देखिए उतरना है स्टार्ट करते काम। जब हम ऊपर आते तो गाइस आगे बता दें कि हवा एकदम चल रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम है, क्योंकि वो रौद है पर अच्छा मौसम है, देख सकते पूरे तरह बादल से भरा हुआ है और मस्त, और हमारे फ्रांड भी पूरा पानी निकल रहा है, उनको आवाज़ दिए तब भी मोटर ऑन कर दिया, और मौसम आज का बहुत बहुत मस्त है, यहाँ हम आए थे मालूम है ना अच्छा। अभी हम लोग का लंच हो गया और गाइस काम जो हुआ है ना देख सकते कितना सीलिंग का काम पूरा हो गया है, और यहाँ से और इधर में प्लास्टिक अब स्टार्ट होगा, तो हम भी ऊपर जाएंगे और ऊपर हम भी काम करेंगे। और गाइस बता दें जहाँ पे आम दिखाने वाले थे तो आम आ चुका है वाकई में गाइस, वो बहुत ही बिगेस्ट है, वो अपने भी नहीं देखो अब हमने फर्स्ट टाइम देखा है, तो अभी आपको देखने को मिले शाम को, तो पहले यहाँ से काम खत्म हो सकता है। और यहाँ पे हमारे जो चुना डर है हमारे कंपाउंड है जिसका जगन्ना नाम उनका हजारों का सही जाना बोलते हैं, और जगन्ना उन्होंने अंकल चुना डाल रहे हैं जो देख सकते हैं, और उनका हाइट जस्ती है बहुत हाइट है, 7.5 फीट की हाइट है, वो पूरा ऊपर टच करेगा, हम लोग इतना करेंगे तब जाएंगे देख सकते। तो गाइस अभी हो रहे 6 घंटे और हम लोग का यहाँ पे काम खत्म हो गया, और गाइस बता दें आज हमारे अक्का का यानी सिर अक्का जो थे हमारे साथ काम करते उनका सिर फूट गया, यानी कि जो भी हम लोग सर्वे बांधे थे उस खोल रहे थे, तो हमें क्या कर रहे हमें बांस लेके जा रहे थे बम्बू साइड पर रख रहे थे, वो क्या कर रहे थे खोल खोल के दे रहे थे बम्बू, बस क्या होगा कि वो एक तरफ से फूल ढील होकर एक तरफ से चला गया उनके तरफ, जिसके कारण बम्बू क्या हो गया कि पूरा लग गया क्या चीज़ में वो जो फंटी होता है जिसे हम लोग मटकुल बोलते हैं उसमें मार पड़ के उनको सीधा सर पर लगा, जिसके कारण देह मार पड़ गया एक जगह ज़्यादा पड़ गया जहाँ पर अभी 2 टाँका आया था तराजू ने बताया। तो वैसे बस यही बहुत ही बेकार हुआ उनके साथ, क्योंकि कुछ भी काम होता तो हमें बहुत सेफ्टी देती है अक्का, बहुत कभी कुछ भी काम हमें बहुत सेफ्टी करके बोलते छोटू ऐसा करो ऐसा करो, उनके साथ ही हो गया और हम भी बच गए। तो अभी चलते हैं देखते हैं अब, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, हम आपको दिखाएंगे और फिर घर को जाएंगे, चलते हैं निकलते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि आम के दुकान के पास जाएंगे, तो ऑलरेडी हम दुकान के पास आ चुके हैं, और क्या बता दें अभी अंकल जा रहे थे आम लेके ही जा रहे थे, जिस आम को आपको दिखाने वाले थे जो 1 kg और कितने ग्राम है अंकल आप बताओ?
एक के जी आप 250 यानी 112 1250 ग्राम है, 12 एक के जी और 250 ग्राम है। तो हम दिखाओगे, देख सकते कितना बिगेस्ट है, बहुत ही बड़ा है। अंकल आपका नाम बताओ। हमारा नाम हैदर। हैदर अंकल, जो अंकल ईरोन लेके जा रहे, तो अभी हम आए थे तो हमके 10 मिनट फ़ोन चार्ज किए थे अंकल के पास, जिस कारण अगर हम नहीं आ पाते तो अंकल अभी चले जाते। तो जो आम है, जो आप देख सकते हो, जो अंकल यही दुकान में रखे थे, जो अंकल हमारे, तो उन्हीं से हमने पूछे थे, तो ये भी हमने वजन भी किए थे, 1 किलो था उस टाइम और अब भी थे। और इसलिए हमें अंकल इसलिए इसको दिखा रहे, ये सबसे बड़ा है ना, इसलिए तो आप लोग बताना, इतना बिगेस्ट देखे नहीं था। तो अंकल को बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर हम अंकल के साथ 2 मिनट पहले नहीं आते तो अंकल हमारे पास आम ये चला जाता, आपको दिखा नहीं पाते। पर यहाँ पे जो भी आम है और भी है बड़े बड़े, पर ये जो भी आम है वो मिनिमम आधा के जी से थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी 750 ग्राम के करीब हो जाए। यहाँ पे जो भी आम है, ये भी आम है, यानी 750 ग्राम के करीब ही हो। और वो आम जो था ना वो क्या बहुत ही बड़ा, जो आप लोगों को देखे तो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। और अंकल के पास बहुत ही सारे, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, पर एक बार इसका नाम आपको बता देते हैं और अंकल से पूछते हैं क्या नाम है। अंकल ये बड़े वाले आम को क्या बोलते हैं नाम? आमलेट बोलते हैं। तो अंकल बहुत ऐसे आम रखे हुए, जो ये आम वो आम बहुत ऐसे आम है, और ये सबसे हमें यूनिक लगा, जो बहुत ही बिगेस्ट था। और अंकल नाम भी बता रहे, बहुत ही यूनिक आमलेट बता रहे। तो अभी यहाँ से चलते, क्योंकि चाचा के पास कुछ काम है, तो अभी हम चलते चाचा के पास और फिर निकलेंगे घर। तो गैस अभी और 10 घंटे और गैस अभी हम लोग यहाँ पर बहुत ऐसे हमें और नागा भैया बहुत ऐसे बात की कि उनके छोटे थे तो क्या होता था, और हम भी छोटे में बस बता दें कि हम भी 2 बार पानी में डूबने से बच गए, और बचाने वाले बहुत ही वो फुल हमसे भी ज़्यादा दिन तक जिएंगे, क्योंकि उनकी वजह से भी हम हैं। रियली बता रहे 2 बार, और नागा भैया भी 2 बार बच गए। तो गैस बता दें यहाँ पर अभी हम क्या करें कि नाइट में कपड़े धोते, तो देख सकते हमने अब भी कपड़े धोए हैं, टाइम नहीं मिलता है। पर अभी जाएंगे ब्लॉग एडिट करेंगे, फिर सुबह भी ब्लॉग एडिट करना, थंबनेल बनाना, बहुत ही टेंशन रहता है। और जैसे यहाँ पे एक पेड़ है जो आपको और रोड दिखाते हैं, वहाँ और हुल फुल है उसके नीचे में, तो यहाँ पे जो पेड़ है ना जिसे आप सौंफ बोलते हैं, तो वो चीज़ का यहाँ पे एकदम फुल उसी का स्वाद आता है। हमको मालूम नहीं वो पेड़ कैसा होता है, हमको लग रहा है वही पेड़ होगा, बाकी चल के मालूम चलेगा जब ये बड़ा होएगा। तो अभी देख सकते कितना छोटा है ये पेड़ है, और वाकई में गाइस बहुत ही खूबसूरत इसका महक है, जिस तरह से हम लोग सौंफ खाते हैं वैसा इसका महक है एकदम सेम। तो गाइस आप लोग बताना कि ये वाकई में गाइस हम सौंफ की तरह महकता है। तो हमने देखे थे, यानी 2 दिन पहले हमने देखे थे, तो हम सोचे थे ये वाकई में गाइस ये बहुत ही यूनिक होगा, इसका जब कुछ दिन बाद पेड़ में से जब निकलेगा तो मालूम चलेगा, हमने कभी देखे नहीं, एकदम सेम खुशबू है गाइस, थोड़ा भी कमी नहीं है। तो गाइस आप जो हमने आपको दिखाए थे आम का जो दिखाए थे इतना बिगेस्ट, वाकई में गाइस 1 केजी हमने जब तोले थे तो 1 केजी से एकदम डाउन था, और जब अंकल दिखाए उन्होंने बोले कि 1 केजी 200-250 ग्राम। तो गाइस बहुत ही बिगेस्ट रहा, हमने फर्स्ट टाइम आपने कभी देखे या नहीं देखे कमेंट करना। आई होप आपको बोलो अच्छा अच्छा लगता है, जरूर से करना कमेंट करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।